हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि मोटो E13 फ़ोन में आप लोग प्ले स्टोर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक मोटो E13 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को प्ले स्टोर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस। प्ले स्टोर आप लोग यहाँ पर से ओपन कर रहे हो लेकिन ओपन नहीं हो रहे, या यहाँ पर बार बार बैक हो जा रहा है, या फिर आप लोग प्ले स्टोर से जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, या आपके यहाँ पर प्ले स्टोर में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो रहा है। डाउनलोड तो हो रहा है लेकिन इंस्टॉल जब होगा तब इंस्टॉल नहीं हो रहा है। तो कैसे आप लोग इस प्ले स्टोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्ले स्टोर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस ऐप्स का, तो इस ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा सी ऑल ऐप्स का, तो इस सी ऑल ऐप्स पे क्लिक कर दीजिए। करते ही आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन होंगे सब शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर से आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर के एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर लिखा हुआ होगा, देख सकते हैं ये रहा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्टोरेज एंड कैची का ऑप्शन होगा, तो स्टोरेज एंड कैची के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्लियर डाटा का ऑप्शन होगा, क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे। ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे क्लिक कर देंगे। ऐसा करते ही आपका जो प्ले स्टोर का डाटा होगा, कैची फाइल्स वगैरह होंगे, उसके बाद सेटिंग्स वगैरह होंगे गूगल प्ले स्टोर का, सब यहाँ पर से रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद आपका जो प्ले स्टोर प्रॉब्लम है वो भी ज़रूर से सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने मोटो E13 फ़ोन में प्ले स्टोर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।